हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। आज मैं आपको लेकर आया हूँ बहुत ही एक्साइटिंग जगह पर, जहाँ पर अमेरिका का जो मोस्ट फेमस गेम है, वन ऑफ द मोस्ट फेमस गेम, बेसबॉल, पूरा बेसबॉल चल रहा है यहाँ पर। आज इस वीकेंड पे दिन बहुत ही अच्छा है, कई दिन बारिश होने के बाद आज का दिन इतना मज़ेदार है कि लोग एकदम आ चुके हैं यहाँ पर खेलने के लिए। इस बहुत बड़ी फील्ड के कोने कोने में लोग जो है, कहीं पर बेसबॉल चल रहा है, कहीं पर कोई और गेम चल रहा है, लेकिन बेसबॉल इस बार लोग मैं देख रहा हूँ काफ़ी खेल रहे हैं। एंड मैं वहाँ उनके पास भी आपको ले जाकर दिखाऊंगा कि कैसा है। तो ऐसा कह सकते हैं हम, जैसे अपना इंडियन क्रिकेट होता है, तो ये अमेरिकन क्रिकेट टाइप का गेम है। एंड मुझे लग रहा है यार थोड़ा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है इसमें, अच्छा खासा लंबा भागना पड़ता है। चलो आपको दिखाता हूँ आगे कैसे खेला जाता है। यहाँ पर बहुत बड़ी फील्ड है, इसमें तीन तीन गेम चल रहे हैं। यहाँ पर देखो बेसबॉल है, वहाँ फुटबॉल चल रहा है। ग्रिल व्रिल का भी इसने इंतजाम किया हुआ है। तो यहाँ पर जो है देखो बहुत सारे लोग आपको बैठे दिख रहे हैं, तो वो या तो इन जो प्लेयर्स हैं उनके फैमिली मेंबर्स होंगे जो कि उन्हें सपोर्ट करने यहाँ पर आए हैं। जैसे बहुत सारे लोग यहाँ बैठ के देख रहे हैं, और बहुत ही वहाँ उधर पास में भी हैं उसके, देखो वहाँ बाउंड्री के पास खड़े हुए हैं, तो वो लोग सपोर्टर्स हैं इन टीम्स के। धूप तेज़ है लेकिन अच्छी खासी, देख रहे हैं लोग अपने चेयर्स वगैरह ला के यहाँ पर। चेयर्स पर आप देखेंगे कुछ लोग हैं अपने अम्ब्रेला भी लगा हुआ है चेयर्स पर, ऐसे शेड के लिए, तो लोग ताकि पास से बैठ के अपने देख सकें, मज़ा कर सकें, एंजॉय कर सकें। देखते हैं वहाँ गेम कैसा चल रहा है। तो इसी फील्ड में, एक ही फील्ड में फुटबॉल भी चल रही है, बेसबॉल भी चल रहा है, एंड देन उधर कोई तीसरा गेम भी चल रहा था जो मैंने देखा नहीं कौन सा है, उधर जाऊँगा तो दिखाता हूँ। I'm doing it for YouTube. They know it. The next week we said that never got it, so we just got the camera. Right. Go two here, fellas. Come on. Wonderful day today after a long time, right? Yep. It was raining otherwise. Lonnie and Javi were always hurt. He's meat gazing. जैसे आप देखोगे यहाँ पर बहुत सारे बच्चे भी जो है ना अपने फादर के साथ यहाँ पर देखेंगे, तो यहाँ बचपन से ही ये जो ट्रेनिंग है ना स्पोर्ट्स वाली वो भी शुरू हो जाती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़ाई करनी है, तो ये छोटा बच्चा भी ये हर वीकेंड यहाँ पर कोई जो जिसको सॉकर खेलनी है, जिसको बेसबॉल खेलना है, जिसको जो खेलना है वो उस इंटरेस्ट से अपने यहाँ पर आता है, उनको ट्रेनिंग प्रॉपरली दी जाती है। और ये इनको उनके आगे एजुकेशन वाले पार्ट में भी बहुत हेल्प करता है कि अगर आप किसी भी एक्टिविटीज़ से जुड़े हुए हैं, सो वो बच्चे के हमेशा उसमें जुड़ता है क्रेडिट्स में, सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ स्पोर्ट्स जो है। एक्चुअली काफ़ी दिन बाद, बारिश के बाद एक अच्छा दिन आया है, तो लोग बड़ा इन्जॉय कर रहे हैं। अच्छी बात यह है कि फील्ड बड़ा है, तो लोग एकदम क्लोज नहीं है, दे आर स्टेइंग अपार्ट। यू कैन रन अ लिटिल फार, एलिजा रन, माइशा रन, टेक्निक, शी यूज टेक्निक। हमने भी दौड़ लगा ली भाई, ये देख रहे हैं आप, अब मैंने इसको यूज़ करना शुरू कर दिया है, और आप लोगों के लिए रिव्यू भी किया था। सो अगर जिसने रिव्यू ना देखा हो ये बोस के ईयरबड्स का, वो प्लीज़ जाकर वीडियो देख लो, अगर अच्छा लगे आपको तो उसे लाइक कर देना, और ख़रीदना हो तो चीज़ आई थिंक ख़रीद भी सकते हो, इट्स वेरी गुड। सो देखो लोग कितना मज़ा कर रहे हैं यहाँ पर। तो मैं दूसरी तरफ जा रहा हूँ जहाँ वो एक और गेम चल रहा है, तो वो दिखाता हूँ। अच्छा, इधर पार्क के साइड पर जो है वो है रोड, है रोड, तो साइड में रोड है, हल्का सा टेम्परेचर है, और इसीलिए लोग जो है आज एकदम गेम खेलने निकले हुए हैं। इतनी बड़ी फील्ड है इस पर अभी लगभग उधर पीछे की तरफ सॉकर हो रहा था और बेसबॉल हो रहा है, यहाँ पर भी आई थिंक बेसबॉल ही हो रहा है। तो हर तरफ गेम चल रहे हैं, लोग खूब इंजॉय कर रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। और यहाँ पर देखो ये जो फादर एंड डॉटर डुओ जा रहा है, ठीक है, बच्चे तो हमेशा पेरेंट्स जो है वो बच्चों को इन्वॉल्व करके रखते हैं अपने साथ, कि अगर फादर रनिंग पे हुआ तो वो बच्ची भी उनके साथ, उनकी बेटी रन कर रही है।
हनी गो रन इसका नाम है इस पार्क का। पर एक दूसरा ये बेसबॉल का चल रहा है, तो यहाँ बहुत होता है ये बेसबॉल, काफ़ी होता है। एक गेम ऑलरेडी फील्ड की दूसरी साइड पे चल रहा था, एक गेम यहाँ पर हो रहा है, ये अलग टीम्स आई हुई हैं। तो ये पूरा एक सर्कल जो है उसके अंदर है, एंड फील्डिंग जैसे क्रिकेट होता है ना, बहुत पे सिमिलर है क्रिकेट के, मुझे भी उतनी डिटेल्स नहीं पता है, हार्ड हिट करते हैं मैंने अक्सर देखा है। सही, तो आप जगह जगह देखोगे कि बच्चे जो है वो साथ में आपको पेरेंट्स के देखेंगे, और क्योंकि वो उन्हें यहाँ सिखाने लाते हैं, दिखाने लाते हैं, फिर देखते रहते हैं, फिर सीखते भी हैं। तो ऑलवेज देखो वहाँ पर, क्योंकि बारिश इतनी हुई है, आप देखोगे वहाँ फील्ड पे ऐसे बाहर गेट पे पानी पड़ा हुआ है बहुत ज़्यादा। तो आज का दिन इतना अच्छा आया है कि वाह, कि ज़्यादातर लोग जो है आज फील्ड पर खेलने निकले हुए हैं। वंडरफुल। ये थे जो बैटिंग कर रहे थे, आई थिंक वो आउट हो गया, क्योंकि पूरा सर्कल काट कर आपको दौड़कर वापस आना होता है पोजीशन पर। एक हाथ से उसने ग्लव से कैच कर लिया, सो कैच दैट मींस आउट। अभी नेक्स्ट टीम का जो है वो टर्न है, दे आर गोइंग टू हिट। हेलो, सो दे आर वेरी हैप्पी एक्चुअली, नो वन स्टॉप्स यू, और वो ऑलवेज आपको एनकरेज करते हैं अगर यू आर मेकिंग वीडियो। लोग बहुत एक से एक आपको यहाँ पर जो है बहुत ही फिटनेस वाले लोग देखें, फिटनेस फ्री। आपको यहाँ पर हर जो है उम्र का इंसान जो है नज़र आएगा एक्सरसाइज करते हुए, कि जैसे मेरे पीछे जो जा रही हैं वो मतलब अपने वो थोड़ी सी हम लोगों से तो बड़ी उम्र की लग रही हैं, तो लेकिन ये है कि बराबर लोग एक्सरसाइज पे बहुत ध्यान देते हैं, और जैसे ही उनको मौका लगता है ना, जैसे ही मौका लगेगा, जैसे आज का मौका है, तो बहुत लोग एक्सरसाइज करते हुए ऐसे आपको ग्राउंड पर देखेंगे। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग यहीं तक रखते हैं, और आप बताओ कि आज के ब्लॉग में क्या थोड़ा सा मज़ा आया कि नहीं, एक्साइटमेंट आया कि नहीं। आई थिंक मुझे तो बड़ी एक्साइटमेंट रही, मैं तो थोड़ा सा दौड़ भाग मैंने भी कर ली यहाँ पर, आते आते देख के इन लोगों को थोड़ा सा एनर्जी मिल गई। एंड आई होप कि आपको ये आज का जो ब्लॉग है वो बड़ा अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो इसको ज़रूर से लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, उनको अमेरिकन क्रिकेट के बारे में ज़रा दिखाना कि भाई ये बेसबॉल अमेरिकन क्रिकेट। एंड दोस्तों, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते चले जाना, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।